हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम्स ट्यूटोरियल्स। ऑनलाइन एग्जाम्स ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 25 मार्च के एमसीक्यूज़। अगर आप हमारी एमसीक्यू सीरीज़ के प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जिसका नाम है करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़, उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेम द इंडियन नेवी वॉरशिप विच हैज़ बिन डीकमिशन्ड ऑन मार्च 22, 2018 आफ्टर ओवर 3 डेकेड्स ऑफ सर्विस। भारत के उस नेवी वॉरशिप का नाम बताइए जिसको डीकमिशन यानी अपनी सेवा से निवृत्त कर दिया गया 22 मार्च को आफ्टर 3 डेकेड्स ऑफ सर्विस। 3 डेकेड उसने यानी 3 दशक तक काम किया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, INS गंगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। INS गंगा एन इंडोजीनियसली यानी भारत में बना हुआ इंडियन नेवी का वॉरशिप था जिसको कि दिसंबर 30, 1985 के अंदर रिप्रेजेंट किया गया था नेशंस वॉरशिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी के तौर पे। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट नेम्ड एरिका। तो किस बैंक ने अभी अभी लॉन्च किया है एक AI जिसका नाम है एरिका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ अमेरिका। इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका हैज स्टार्टेड रोलिंग आउट एरिका इट्स चैटबॉट दैट कैन हेल्प कस्टमर्स चेक बैलेंसेज, यानी इससे आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, रिमाइंड अबाउट बिल्स, बिल्स के बारे में रिमाइंड कर सकते हैं और आंसर बैंक रिलेटेड क्वेश्चन, यानी आपके कोई अगर बैंक रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आई है उनका आंसर भी देगा। इसकी टेस्टिंग इन्होंने 2017 में स्टार्ट कर दी थी। विच इंडियन सिटी इज सेट टू होस्ट द मेडन वर्ल्ड सीरीज ऑफ बॉक्सिंग क्लैश ऑन मार्च 24, 2018, यानी कौन सा इंडिया का शहर है जो होस्ट करेगा पहली बार वर्ल्ड सीरीज ऑफ बॉक्सिंग 24 मार्च 2018 को जो होगी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, रोहतक। इसके बारे में देख लेते हैं। द हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड सीरीज ऑफ बॉक्सिंग कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार इंडिया आ रही है विद द नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी इन रोहतक सेट टू होस्ट एन एक्सप्लोजिव क्लैश बिटवीन इंडियन टाइगर्स और अस्थाना एरियंस ऑफ कजाकिस्तान, यानी इंडियन टाइगर्स और अस्थाना एरियंस के बीच मुकाबला होगा पहले दिन। अकॉर्डिंग टू 2018 इकोनॉमिक इम्पैक्ट रिपोर्ट बाई वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल यानी WTTC, इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेवल एंड टूरिज्म इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट एंड टोटल GDP बाई विच ईयर, यानी जो 2018 की इकोनॉमिक इम्पैक्ट रिपोर्ट है WTTC की, उसके अनुसार भारत कब तीसरी लार्जेस्ट टूरिज्म इकोनॉमी बन जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2028 यानी 2028 तक। इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू एस्टेब्लिश इट सेल्फ एज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म इकोनॉमी बाई 2028 इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट एंड टोटल GDP। दिस रिपोर्ट ऑल्सो सेड दैट इंडिया विल एड नियरली 10 मिलियन जॉब्स, यानी लगभग 1 करोड़ जॉब आएंगी इन द टूरिज्म सेक्टर बाई 2028 तक। Which country has abolished its popular employer-sponsored 457 visa program widely used by Indians? किस देश ने ख़त्म कर दिया है एक popular employer-sponsored यानी जिसका नाम था 457 visa program जिसको Indians ही ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, तो वो कंट्री है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पहले ये रूल था कि आप किसी भी employer को 4 साल तक रख सकते थे, जो भी कोई foreign employer हो वहाँ पे, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के वर्कर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में वर्कर्स की भारी कमी थी, लेकिन अब वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दी गई है। मार्टिन विजिकारा वाज स्वोन इन एज द न्यू प्रेसिडेंट, किस देश के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं मार्टिन विजिकारा। तो इनका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पेरू। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट PV सिंधु विल बी फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन कॉन्टिनजेंट फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स इन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, यानी जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसमें PV सिंधु होंगी इंडिया की फ्लैग बीरर। इट वुड बी द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 3 एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स दैट ए बैडमिंटन प्लेयर वुड डोन द फ्लैग बीरर्स हैट, ये पहली बार होगा पिछले 3 एडिशंस में कॉमनवेल्थ के कि एक बैडमिंटन प्लेयर को ये मौका मिला है। एट 2014 ग्लासगो, 2014 में जो ग्लासगो के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें जो
ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं शूटर विजय कुमार, उनको ये मौका मिला था। केरला सीएम पिनारई विजयन, केरल के जो सीएम हैं पिनारई विजयन, उन्होंने एक लॉन्च किया है एम केरला नाम से, एक यूनिफाइड ऐप फॉर ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज, सभी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं केरला के अंदर उनके लिए एम केरला नाम से एक ऐप लॉन्च की गई है एट फ्यूचर 2018, फ्यूचर 2018 जो वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर। केरला आल्सो बिकम द स्टेट विद लार्जेस्ट पब्लिक वाईफाई डिप्लॉयमेंट इन द कंट्री, यानी केरला के अंदर सबसे ज़्यादा वाईफाई डिप्लॉयमेंट है, वहाँ सबसे ज़्यादा वाईफाई हब्स हैं। द इंटरनेट पेनिट्रेशन इन द स्टेट इज़ एट 52% एरिया के अंदर वहाँ पे वाईफाई जो लगे हुए हैं। फ्यूचर इज केरलाज फर्स्ट एवर ग्लोबल डिजिटल समिट, जो फ्यूचर नाम से समिट चल रहा है वो केरला का पहला जो ग्लोबल डिजिटल समिट है, एंड वाज इनोग्रेटेड बाय पी विजयन इन कोची, कोची जो केरल की कैपिटल भी है। जो केरला के प्रेजेंट गवर्नर हैं वो हैं पलानी स्वामी सत्यशिवम। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इनका नाम है मिस्टर राधा मोहन सिंह, हैड एड्रेस्ड द फिफ्थ इंडिया मेज समिट, जो फिफ्थ इंडिया मेज समिट है इनको उन्होंने एड्रेस किया अभी न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये आपसे पूछ सकता है कि फिफ्थ इंडिया मेज समिट कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली के अंदर। द एम ऑफ समिट वॉज टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ मेज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, प्रोमोटिंग प्रोड्यूसर्स एग्रीगेशन एंड लिंकेजेस दैट आर रिक्वायर्ड। द सेवेंथ इंडियन इजिप्ट ज्वाइंट कमीशन मीटिंग लेड बाई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज एंड इजिप्शियन फॉरन मिनिस्टर समय शोकी वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। जो इंडिया और इजिप्ट का सेवन्थ ज्वाइंट कमीशन, जो दोनों का ज्वाइंट कमीशन मीटिंग है वो हेल्ड हुई न्यू दिल्ली के अंदर। इसमें भाग लिया इंडिया की तरफ से हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज, और जो इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर हैं शामे शोकी ने। और कियारो है कैपिटल ऑफ इजिप्ट, और इजिप्ट की करेंसी है इजिप्शियन पाउंड। ईच ईयर वी कोमेमोरेट वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, अगर आप वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी जो नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज पार्ट वन है, पार्ट टू है, उसमें देख सकते हैं। इसका जो थीम रहा इस बार वो था वांटेड लीडर्स फॉर ए टीबी फ्री वर्ल्ड। ये मार्च 24 को मनाया जाता है हर साल। मुकेश अंबानी हेल्म्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अनाउंस एंड इंटीग्रेशन विद लीडिंग म्यूजिक ऐप सावन फॉर इट्स डिजिटल म्यूजिक सर्विस जियो म्यूजिक। जो मुकेश अंबानी जी की कंपनी है जियो म्यूजिक, उसने सावन जो एक दूसरी ऐप है वो भी म्यूजिक से रिलेटेड है, इन्होंने आपस में कोलैबोरेट कर लिया है जिससे कि कंबाइंड एंटिटी वैल्यू हो जाएगी 1 बिलियन, विद जियो म्यूजिक इम्प्लाइंड वैल्यूएशन इज 670 मिलियन। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के एमसीक्यूज। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हमारे लेटेस्ट वीडियो आते रहें। और आपके कोई सजेशन है या क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी है जो कि हमारा चैनल नेम भी है ऑनलाइन एग्जाम्स ट्यूटोरियल्स @gmail.com, इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।